हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पास्ता सैलेड की रेसिपी लेकर आई हूं, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। यह देखने में जितना अच्छा दिख रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा यह टेस्टी भी बनता है। तो चलिए सैलेड बनाना शुरू किया जाए। पहले पानी को बॉईल कर लेंगे। पानी बॉईल होने के बाद इसमें पास्ता डाल लेंगे। पास्ता बॉईल हो रहा है तब तक खीरा, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को काट लेंगे। देखिए पास्ता बॉईल हो गया, इसका कलर बिल्कुल वाइट सा दिख रहा है। अब इसका पानी निकाल कर इसे ठंडा पानी से धो लेंगे। ठंडा पानी से धोने से यह एक दूसरे में चिपकेगा नहीं और ओवर कुक होने से भी बच जाएगा। देखिए पास्ता बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए अब इसका सैलेड बनाना शुरू करते हैं। बाउल में सबसे पहले बॉइल्ड पास्ता को डाल लेंगे। कटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे, टमाटर डाल लेंगे, खीरा डाल लेते हैं, प्याज डाल लेंगे। अब इसमें 3 चम्मच मेयोनीज डाल लेंगे। नमक डाल लेंगे, 1/2 टीस्पून काला नमक डाल लेंगे, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर डाल लेंगे, 1/4 टीस्पून चाट मसाला डाल लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस विधि से बनाई गई सलाद बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है, आप जब चाहें तब बना सकते हैं। अब सैलेड को गार्निश करने के लिए कटी हुई खीरा और टमाटर को डाल लेंगे। हरी मिर्च और भुने हुए जीरा पाउडर से भी इसे गार्निश कर लेंगे। देखिए सैलेड कितना अच्छा दिख रहा है। इसे बच्चे बड़े सभी बहुत ही पसंद से खाते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।